मानो या ना मानो। दोस्तों, आपको तो वो कहानी याद ही होगी जब गुलिवर लिलीपुट नाम के एक द्वीप पर पहुंच गया था। वहां 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोगों ने उसे बंदी बना लिया था। आज हम आपको वैसी ही एक और सच से रूबरू कराएंगे जिसके बाद बौनों को लेकर आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। अब से करीब 150 साल पहले ईरान के एक गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव का नाम है मखुनिक, जो कि ईरान अफगानिस्तान सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है उससे करीब 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। 2005 में खुदाई के दौरान इस गांव से एक मम्मी मिली जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। इस मम्मी के मिलने के बाद ये यकीन पुख्ता हो गया कि इस गांव में बहुत कम लंबाई के लोग रहते थे। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि ये मम्मी समय से पूर्व पैदा हुए किसी बच्चे की भी हो सकती है जिसकी 400 साल पहले मौत हो चुकी हो। जानकार इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मखुनिक गांव के लोग बौने थे। दरअसल मखुनिक ईरान के दूर दराज का एक सूखा इलाका है जहां चंद अनाज, जौ, सलजम और खजूर जैसे फल ही उगते हैं। इस इलाके के लोग पूरी तरह से शाकाहारी थे। शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वो इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाता था। यही कारण है कि इस इलाके के लोगों के शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस प्राचीन गांव में करीब 200 घर हैं, जिसमें से 70 से 80 ऐसे घर हैं जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम है। इन घरों की ऊंचाई महज 150 से 200 मीटर है। घर की छत 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ बहुत कम लंबाई के लोग हुआ करते थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।